हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू फिलर फॉर्म। आई एम प्रियंका, योर यूजीसी नेट पेपर वन फैकल्टी। क्लास को ज्वाइन कर लीजिए टाइमली सभी, और एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है। ऑडियो वीडियो क्लियर है आपका, एक बार कंफर्म कर दो मुझे। गुड इवनिंग जी सभी को, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। ओके, पीडीएफ मिल गई है सबको टीचिंग एप्टीट्यूड की, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग की, जो मैंने सेंड की थी। कोई ऐसा जिसको पीडीएफ ना मिली हो? गुड इवनिंग त्रिपाठी जी, नोमन कुमार, ललिता, प्रियंका, मिस अफरीन। किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। यस मैम, ठीक है। ऋतुराज को मिल गई है पीडीएफ, ऑडियो वीडियो बोथ आर क्लियर। ओके, मैगजीन्स ऑफ टीचिंग की आज आप लोगों को लेवल ऑफ टीचिंग की पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगी। मैं, मुझे नहीं मिली पीडीएफ। पूजा, पूजा कौन सा है आपका, लॉ है आपका? मैगजीन्स ऑफ टीचिंग की आपको नहीं मिली है क्या? वैसे तो मैंने सारे कोर्सेज में अपलोड कर दी है। सेकेंड पेपर कौन सा है? लेवल ऑफ टीचिंग, लेवल ऑफ टीचिंग की आज सेंड करूंगी। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग की कर दी थी मैंने, लेवल ऑफ टीचिंग आज सेंड कर दूंगी पीडीएफ आपको, ठीक है? क्लास के बाद ही सेंड कर देंगे आपको, क्लास के बाद या 10 बजे तक। ओके, करते हैं फिर क्लास को स्टार्ट। किसी ने कुछ बोलना है, कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, फिर मैं क्लास को स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोग सब ठीक हो? आप लोगों के एरिया में सब कुछ ठीक है? बारिश के कारण किसी का कोई नुकसान तो नहीं हुआ है? सब ठीक है? यस मैम, गुड इवनिंग मैम। ओके, यस मैम, मिल गई, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, सभी थम्स अप दे दो एक बार। रेन बहुत हो रहा है मैम। नो मैम, यहाँ बारिश नहीं है। ओके, ठीक है, बस ध्यान रखो अपना भी। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी रक्षाबंधन चल रहा है ना, तो आपको 10% का ऑफ भी है रक्षाबंधन में। अगर कोई भी आपका फ्रेंड या फिर आपका जानकार कोई भी पेड कोर्सेज को परचेज करना चाहता है तो वो कर सकता है। बैनर अटैच नहीं किया मैंने आज, कल तक कर दूंगी बैनर अटैच, ठीक है? 10% ऑफ चल रहा है आप लोगों का रक्षाबंधन पर। ये है जी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस, टीचिंग कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, लेवल्स ऑफ टीचिंग। यहाँ पे हम पहुंचे अभी लेवल्स ऑफ टीचिंग में। करेक्टरिस्टिक्स हमारा हो गया, कंसेप्ट हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया हमारे, और भी काफी चीजें कवर हो गई है। मीन्स ये वाला पोर्शन आपका ऑलमोस्ट कवर है। लेवल्स ऑफ टीचिंग आपका हो जाएगा, उसके बाद आपका एम्स ऑफ टीचिंग या फिर ऑब्जेक्टिव वाला, वो टीचिंग ट्रेनिंग कंडीशनिंग और वो सारा रहेगा, इंडोक्ट्रिनेशन, ठीक है? उसके बाद आपका ये वाला कवर हो जाएगा। मे बी कल तक आपका ये कवर हो जाएगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे लर्नर करेक्टरिस्टिक्स, लर्नर का स्टार्ट कर देंगे हम उसके बाद, ठीक है? जनरेशन वगैरह सारी चीजें स्टार्ट कर देंगे मंडे से, में भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है जी? ये हमारा हो गया था रिफ्लेक्टिव लेवल, आपका मोस्ट थॉटफुल है। जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी वो प्लीज एक बार देख लेना कल की क्लास। ये हमारा हो गया है मेमोरी लेवल, फोकस, सोशल सिस्टम। राखी मिश्रा जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी नेहा कुमारी, गुड इवनिंग। ये कल हमारा हो गया, यहाँ तक हमारा कल हो गया था इवेल्युएशन सिस्टम तक, ठीक है? मेमोरी लेवल कितने लेवल्स हैं हमारी टीचिंग के, मेनली लेवल्स ऑफ टीचिंग कितने हैं? सभी रिप्लाई कर दो साथ के साथ, लेवल्स ऑफ टीचिंग कितना है, कितने लेवल्स है टीचिंग के? 3, गुड। हाँ जी, तो आज हम करने वाले हैं सेकेंड लेवल ऑफ टीचिंग। कल हमने मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग किया था, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जाम्पल एक छोटा बच्चा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल एक छोटा बच्चा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल एंड सी फॉर कैट, ये वाला था आपका मेमोरी लेवल। और ये मेमोरी लेवल जो था आपका, ये स्टूडेंट सेंटर्ड है कि टीचर सेंटर्ड है? रोट लर्निंग यहाँ पे आ जाना था आपका, रिकॉल करना यहाँ पर आ जाना था आपका, रिटेंशन यहाँ पर आ जाना था, और रिकॉग्निशन यहाँ पे आ जाना था आपका।
हाँ जी, टीचर सेंटर था, मेमोरी अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्टिव, गुड। आज हम करेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका। अब देखो, मैंने अंडरस्टैंडिंग लेवल में आपको क्या बताया था कि बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे आपको, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेमोरी लेवल में आप छोटे होते हो, आपको नहीं पता रिश्ते नातों का, बट अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका मेनली ये होता है कि हाँ आपको रिलेशनशिप की समझ आ जाती है, टू सीक द रिलेशनशिप, टू सीक द रिलेशनशिप, ठीक है। और बहुत बार एग्जाम में यही लाइन उठ के आई है, टू सीक द रिलेशनशिप, क्लियर है। बहुत बार की जब आपको समझ आनी शुरू हो जाती है, और मेनली अगर हम इसको बोला जाए तो ये कौन सा रहेगा, ज्यादातर आपका कंटेंट बेस्ड रहेगा, क्योंकि अब आपको कंटेंट की समझ आनी स्टार्ट हो गई है, क्लियर है। अब आपने कंटेंट को समझना शुरू कर दिया है, वो आ जाएगा आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल में। ओके, एक चीज मैंने आपको कल बताई थी, एक होता है फैक्ट इंफॉर्मेशन, एक होता है फैक्ट अंडरस्टैंडिंग। कहीं ना कहीं फैक्ट यहाँ पे भी यूज हो रहा है, फैक्ट यहाँ पे भी यूज हो रहा है। तो जो फैक्ट इंफॉर्मेशन है वो क्या है, और जो फैक्ट अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है? रिप्लाई फास्ट, फैक्ट इंफॉर्मेशन क्या है और फैक्ट को अंडरस्टैंड करना क्या है? के लिए कौन सी बुक है? बुक ले जो मेरे पास थी ना, चौधरी जी बुक, मेरे अभी ना फिलर फॉर्म ने पेपर वन की बुक में भी, हाँ पेपर वन की बुक उन्होंने पब्लिश कर दी है फिलर फॉर्म ने, PYQs, आपकी PYQs एंड MCQs 2000 या पता नहीं कितने कितने हैं, ठीक है। एक बार बता दूंगी, अगर फिलर फॉर्म ने बुक पब्लिश कर दी है, क्योंकि आज ही मैंने बैनर चेक किया था, तो मेरी सर से बात तो नहीं हुई, मे भी कर दी है बुक पब्लिश कर दी है पेपर वन की, तो वो आपको फिर एडवाइस कर देंगे, आप परचेज कर सकते हो ऑनलाइन या किसी भी तरह से, ठीक है चौधरी जी। फैक्ट है कोविड में 20 आवर्स लोग डेथ हुए, हाँ ठीक है मैम, कोरोना एक बीमारी है, ये फैक्ट है, और उसके लिए किया तेरे बतानी चाहिए, ये अंडरस्टैंडिंग। हाँ जी, नहीं मेरा बोलने का मतलब है फैक्ट इंफॉर्मेशन मेमोरी लेवल है या फिर आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है? फैक्ट इंफॉर्मेशन ओनली, मेमोरी लेवल या फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल है? दो हजार बाईस 2023 की PYQ अवेलेबल है मैम बुक में, सर बोल रहे थे। हाँ ठीक है, अगर सर ने बता दिया ना आपको बुक के लिए, तो ठीक है फिर वही फिलर फॉर्म की बुक परचेज कर लेना। फैक्ट इंफॉर्मेशन नॉट अंडरस्टैंडिंग, कल ही बताया फैक्ट इंफॉर्मेशन मेमोरी लेवल है, फैक्ट अंडरस्टैंडिंग है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, फैक्ट को अंडरस्टैंड करना आएगा आपका अंडरस्टैंडिंग में। और एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, फैक्ट इंफॉर्मेशन को स्टूडेंट ने सेम जो आपने बोला है ना अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्लिक करके आगे थे, और टू सीक रिलेशनशिप इसको भी मेमोरी लेवल में क्लिक करके आगे थे, तो प्लीज इन बातों का ध्यान रखना, ये रिपीटेड है जो मैंने यहाँ पे फैक्ट इंफॉर्मेशन फैक्ट अंडरस्टैंडिंग पूछा, ये रिपीटेड है बहुत बार, और टू सीक रिलेशनशिप ये भी रिपीटेड है बहुत बार ये वाली लाइन, इसलिए मैं यहाँ पर आपको लेकर आई हूँ, स्टार लगा लो इसमें। अब देखो, अब समझोगे कि अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका कौन सा लेवल है। अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग इज अ मोर डेलिब्रेट टीचिंग मेथड इन विच स्टूडेंट इंटरेक्ट विद कॉन्सेप्ट एंड एज द नेम इम्प्लाइज कॉम्प्रीहेंड द कॉन्टेंट। अब देख लो, कॉन्टेंट कंसेप्ट, ठीक है, दे एवेल्युएट द कॉन्सेप्ट एंड ब्रिंग टूगेदर द फैक्ट एंड अदर नोशन एसोसिएटेड विद देम बेस्ड ऑन द स्टूडेंट प्रायर अवेयरनेस एंड कॉम्प्रीहेंशन लेवल। अब प्रायर अवेयरनेस आपकी कौन सी थी, क्योंकि मेमोरी लेवल ही था ना आपका बेसिक, तो यहाँ से आपकी शुरुआत हुई है, ए बी सी डी, जब आपने जेड तक याद किया होगा, 1 2 आपने 100 तक याद किया होगा, तो प्रायर अवेयरनेस तो आपकी यही थी। टीचर्स एंड स्टूडेंट आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट है ये, इक्वली इंटरेस्टेड इन दिस फेज एंड इन दिस टीचिंग स्टेज टीचर्स यूज डिबेट सेमिनार एक्सप्लेनेशन एंड अदर सिमिलर मेथड, द क्लासरूम एटमोस्फेयर इज वेलकमिंग एंड स्टिमुलेटिंग। मैम अमेजोन पर मिल जाएगी फिलर फॉर्म की बुक, हाँ जी मिल जाएगी। अब ये सर का देखते हैं, बताती हूँ आपको बुक का क्या है, ठीक है, बुक का बता दूंगी आपको। फैक्ट इंफॉर्मेशन मेमोरी लेवल, फैक्ट अंडरस्टैंडिंग आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब देखो हिंदी में, देखो हिंदी में बड़ा प्यारा लिखा है, शिक्षण के स्तर को समझना, ठीक है, और वो था आपका स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल जो था यहाँ पे क्या है, शिक्षण के स्तर को समझना।
समझ के स्तर पर शिक्षण एक अधिक विचारशील शिक्षण पद्धति है जिसमें छात्र अवधारणाओं के साथ बातचीत करते हैं और जैसा कि नाम से पता चलता है सामग्री को समझते हैं। क्या बोला था मैंने कि अगर आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि आपका कंटेंट बेस्ड लर्निंग कौन सी है, आपकी मेमोरी लेवल है या फिर आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है या फिर आपका रिफ्लेक्टिव लेवल है, तो आपका आंसर क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग लेवल है, जहां पर आप कॉन्टेंट को अंडरस्टूड करते हो, कॉन्टेंट को समझते हो। क्लियर है? वे अवधारणाओं का मूल्यांकन करते हैं और छात्रों की पूर्व जागरूकता और समझ के स्तर के आधार पर, अब देखो पूर्व जागरूकता पहले, प्रायर अवेयरनेस तो आपकी मेमोरी लेवल से आई थी जब ए टू जेड, अब आपको ए टू जेड ही पता नहीं होता तो आप कैसे अल्फाबेट को अंडरस्टूड कर पाते कि ए फॉर क्या क्या हो सकता है, बी फॉर क्या क्या हो सकता है, जेड फॉर क्या क्या हो सकता है। स्टार्टिंग में तो सिर्फ आपको इतना पता था कि ए फॉर एप्पल है, बी फॉर बॉल है, सी फॉर कैट है, बट अंडरस्टैंडिंग लेवल में आपको ये भी पता चला है कि ए फॉर एप्पल की बजाय ए फॉर जितने भी ए से जिनके नेम स्टार्ट होंगे वो सारी चीजें ए अल्फाबेट से ही स्टार्ट होगी। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हुआ कि पूर्व जागरूकता और समझ के स्तर के आधार पर उनसे जुड़े तथ्यों, ये इंपॉर्टेंट है आपका, और अन्य अवधारणाओं को देखो, फैक्ट यहाँ पे अंडरस्टूड करो कि आप फैक्ट को और अन्य धारणाओं को एक साथ लाते हैं, इंपॉर्टेंट है। वहां पे सिर्फ आपको फैक्ट की इंफॉर्मेशन दी जाती थी कि ए टू जेड है और ये फैक्ट है, ये एज इट इज ऐसा ही होगा, ये इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती थी, आपको एज इट इज वैसे ही याद करना होगा। 1 to 100 आपको नंबर याद करने होंगे तो ये फैक्ट है, आपको ऐसा ही याद करना होगा। क्लियर है? बट यहाँ पे उनसे जुड़े तथ्य और अन्य धारणाओं को एक साथ लाते हैं, मीन्स की अंडरस्टूड करना कि ऐसा क्यों है। क्लियर है कि ऐसा क्यों है? ओके जी, कंटेंट बेस अंडरस्टैंडिंग लेवल, हाँ जी कंटेंट बेस हो जाएगा। और इसके अलावा एक और चीज याद रखना, अगर कंटेंट नहीं पूछेगा तो ये भी टीचर सेंटर्ड में ही आता है आपका। क्लियर है? आपका जो मेमोरी लेवल है, ध्यान दो मेरी बात पे प्लीज, आपका जो मेमोरी लेवल है टीचर सेंटर्ड, अंडरस्टैंडिंग लेवल आल्सो टीचर सेंटर्ड, क्योंकि आप टीचर के बाहर नहीं जाओगे। हाँ ये है कि टीचर आपको पढ़ा रहा है बट आप अंडरस्टूड कर पा रहे हो, आप चीजों को समझ पा रहे हो, मीन्स आप यहाँ पे रट्टा नहीं लगा रहे हो, पर है यहाँ पे टीचर का रोल ही रहने वाला है, मेन मेन रोल यहाँ पे टीचर का रहने वाला है, स्टूडेंट सिर्फ अंडरस्टैंड करेगा। देखो इक्वली इंटरेस्टेड है यहाँ पे टीचर एंड स्टूडेंट। क्लियर है? अब स्टूडेंट बड़ा हो गया, अब उसको जागरूकता है कि मुझे समझना है, मुझे रट्टा नहीं लगाना है, रट्टा लगाऊंगा तो मैं एग्जाम में नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इतना कितना रट्टा लगा लेंगे, बचपन में तो चलो ए टू जेड था उसमें रट्टा लगा लेते थे, 1 to 100 गिनती थी उसमें रट्टा लगा लेते थे, पहाड़े थे उसमें रट्टा लगा लेते थे। कितने रट्टे लगा लोगे? पहाड़े 10 से 12 तक रट के याद कर लोगे, और 20 का पहाड़ा है, 40 का पहाड़ा है, उसको कैसे याद करो? मीन्स की 20 तक 40 तक 30 तक उनको कैसे याद करोगे? फिर तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, बट टीचर की तो जरूरत पड़ेगी। तो ये भी टीचर सेंटर्ड है, प्लीज ध्यान देना मेरी इस बात पे, विदाउट टीचर नहीं होगा ये, टीचर की जरूरत पड़ेगी आपको फैक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, और मेमोरी लेवल भी आपका टीचर सेंटर्ड है। बट अगर टीचर सेंटर्ड ना देकर कॉन्टेंट पूछा गया होगा, ठीक है, वन लीनियर टाइप में अगर कॉन्टेंट पूछा गया होगा तो वो भी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? यस और नॉट? क्लियर है? अब देखो, शिक्षक और छात्र भी इस चरण में समान रूप से रुचि रखते हैं, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस शिक्षण चरण में शिक्षक बहस, सेमिनार, स्पष्टीकरण और अन्य समान तरीकों का उपयोग करते हैं, कक्षा का माहौल स्वागत योग्य और उत्साहवर्धक होता है। स्टिमुलेट करना, स्टिमुलेशन का मतलब क्या होता है अगर हम बताएं तो, स्टिमुलेट करना, और ये किसने दिया था आपके, स्टिमुलेट कंडीशनिंग, ऑपरेंट, ऑपरेंट कंडीशनिंग ने बताया था ना, स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेट करना, जब हम किसी को किसी चीज का लालच देते हैं, ठीक है, तो इट मीन्स कि हम उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं, जब वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है चीजों को, वो समझता है बिहेवियर को, तो स्टिमुलेट करना, स्टिमुलस, स्टिमुलेशन लर्निंग, पावलो, पावलो, हाँ पावलो, स्टिमुलेट, इसको भी करेंगे हमने, ये सारे मॉडल्स करने हैं, ठीक है। स्टिमुलेट लर्निंग होगी आप लोगों की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, सोशल लर्निंग होगी आपकी, ठीक है, सोशल लर्निंग होगी, ये सारे मॉडल्स करने, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी, यूट्यूब पे भी करवाया था मैं भी, मैंने ये, ठीक है, जैसे कि वहां पे उन्होंने एक डॉगी का एग्जाम्पल दिया था। अब देखो एडवांटेजेस क्या है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल की, इफेक्टिव लर्निंग ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इफेक्टिव क्यों हो जाता है जब स्टूडेंट का आउटकम आ रहा है और स्टूडेंट चीजों को अंडरस्टैंड कर रहा है, तो वो इफेक्टिव नहीं हो जाता है क्या? जैसा कि हमारा कम्युनिकेशन में क्या था कि अगर मान लो मैं आपको कुछ बात बोल रही हूँ और आप एज इट इज उस बात को समझ पा रहे हो जो मैं आपको बात बोल रही हूँ, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाती है।
कि हाँ एटलीस्ट जो मैं बोलना चाह रही हूँ वो आप एज इट इज वैसे ही उसको अंडरस्टूड कर पा रहे हो. क्लियर है? पार्टिसिपेटिव नहीं होगा मैम, नहीं पार्टिसिपेटिव नहीं होगा यहाँ पे. पार्टिसिपेटिव का फिर आपका अलग कंसेप्ट है. यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल में आपने दो चीजें याद रखनी, एक तो कंटेंट हो जाएगा, कंटेंट बेस्ड हो जाएगा आपका, और एक टीचर सेंटर्ड है ये, टीचर सेंटर, क्योंकि टीचर की जरूरत पड़ेगी. अभी आप इतने बड़े नहीं हुए कि आप खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ. देखो मेमोरी लेवल में क्या हुआ, आपको फैक्ट की इंफॉर्मेशन दी गई, ठीक है, ये टीचर ने दी. अंडरस्टैंडिंग लेवल में जो आपको वो इन्फॉर्मेशन दी गई थी टीचर के द्वारा, आपने उसको अंडरस्टूड करना शुरू कर दिया, और कहीं ना कहीं टीचर ने आपको जब समझाया, फैक्ट को आपको समझाया, तो आपको समझ आनी स्टार्ट होगी. तो टीचर का ही यहाँ पे रोल था कि टीचर ने ही आपको फैक्ट को समझाया है और आपको समझ आनी स्टार्ट हो गई है. यहाँ पे आप समझना शुरू कर दिया, आप बड़े हो गए, अब आपको समझना शुरू हो गया. फॉर एग्जाम्पल, बचपन में आपके मम्मी पापा आपको बोलते थे बेटा बुरी संगति नहीं करनी है तो बिगड़ जाएगा, आपको वहां समझ ही नहीं आती थी, नहीं बस मुझे नहीं पता मेरे मम्मी पापा गलत है. बट आप जब बड़े हो गए, आपके मम्मी पापा ने बोला बेटा बुरी संगति नहीं करनी तो बिगड़ जाएगा, आपको समझ आनी स्टार्ट होगी. बट कहीं ना कहीं रोल तो पेरेंट्स का ही रहा, पेरेंट्स ने ही समझाया, पेरेंट्स ने ही गाइड किया आपको, आपने खुद से नहीं उस चीज को समझा, एक हेल्पर चाहिए था आपको जो आपको गाइड करे, जो आपको समझाए. तो ये टीचर सेंटर्ड ही रहेगा. ओके जी. हम देखो डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कॉग्निशन लर्निंग, कॉग्निशन की अगर हम बात करें तो ये हमारी मेंटल प्रोसेस होती है, नॉलेज प्रोसेस होती है, ठीक है. मेंटल प्रोसेस होगी आपकी, नॉलेज होगी मीन्स आपके माइंड से रिलेटेड चीजें होगी, ठीक है. डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कॉग्निटिव लर्निंग, कॉग्निशन लर्निंग मीन्स कि अब आपने क्या किया कि आपके माइंड की डेवलपमेंट हो रही है. आपकी जो मेमोरी थी वो जीबी में थी या फिर टीबी में थी, अब यहाँ पे आपकी मेमोरी योटा बाइट जोटा बाइट हो गई है, मीन्स आपने आपकी मेमोरी जो है वो इंक्रीज हो गई है यहाँ पर, ठीक है. तो मेंटल लर्निंग आपकी होगी, नॉलेज होगी, प्रोसेस हो गया, वो सारी चीजें. कॉग्निटिव लर्निंग इज अ स्टाइल ऑफ लर्निंग दैट फोकस ऑन मोर इफेक्टिव यूज ऑफ द ब्रेन. कॉग्निटिव इज द मेंटल प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू द सेंस एक्सपीरियंस एंड थॉट. सही है, ठीक है. अब यहाँ पे क्या हुआ कि हाँ आपकी सेंस इंक्रीज होगी, आपकी एक्सपीरियंस इंक्रीज होगी, आपके थॉट्स, आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ गई है यहाँ पे. डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कॉग्निशन, कॉग्निशन लर्निंग. क्लियर है? आपकी सोचने समझने की शक्ति यहाँ पर बन गई है, आपके जो मेंटल प्रोसेस थी वो आपकी इंक्रीज हो गई है, मेंटल एबिलिटी आपकी इंक्रीज हो गई है, नॉलेज को गेन करने की शक्ति आपकी इंक्रीज हो गई है. डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कॉग्निशन लर्निंग. अब ये जो कॉग्निशन है ना, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार. अब देखिए नेक्स्ट, सेट सेट स्टेजेस फॉर एंटरिंग इनटू रिफ्लेक्टिव लेवल. अब देखो ये सेकंड स्टेज होगी आपकी. फर्स्ट स्टेज कौन सी थी आपकी? मेमोरी. सेकंड स्टेज कौन सी आपकी? अंडरस्टैंडिंग लेवल. और थर्ड है आपकी रिफ्लेक्टिव लेवल. द इंटरेक्शन लेवल इज गुड. अब यहाँ पे क्या, बातचीत का स्तर अच्छा हो गया, और स्टूडेंट को जब चीजें समझ आ रही है तो मैम को वो आंसर कर पा रहा है, यस मैम, नो मैम, आई अंडरस्टूड, हाँ मुझे समझ आ रहा है. क्लियर है? तो यहाँ पे इंटरेक्शन अच्छी हो रही है, अब यहाँ पे टीचर के साथ इंटरेक्शन अच्छी हो रही है, क्योंकि स्टूडेंट यस नो में रिप्लाई कर पा रहा है कि हाँ मुझे समझ आ रहा है जो मैम आप पढ़ा रहे हो. क्लियर है जी सबको? यस या नो में रिप्लाई कर दो एक बार, यस या नो में रिप्लाई कर दो. क्लियर है? यस मैम. हाँ जी. तो ये हो गया आपका इंटरेक्शन लेवल इज गुड. अब देख लो इंटरेक्शन लेवल, टू वे फीडबैक है, सॉरी टू वे कम्युनिकेशन है आपका, ठीक है. फीडबैक भी है यहाँ पे. अब कम्युनिकेशन की कितनी चीजें यहाँ पे यूज हो रही है कंसेप्ट कहीं ना कहीं. अभी हमने टीचिंग पढ़ा है, डिडक्टिव और इंडक्टिव पढ़ा था टीचिंग में, वो रिसर्च में भी आपका यूज होने वाला है, और फॉर्मल इनफॉर्मल आपका रिसर्च में भी यूज होने वाला है, कम्युनिकेशन में भी यूज हुआ है. तो कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे हो तो कुछ कुछ टॉपिक ऐसे जो रिपीटेड है, टीचिंग में भी आ रहे वही टॉपिक, कम्युनिकेशन में भी आ रहे वही टॉपिक, रिसर्च में भी आ रहे हैं. इसलिए मैं बोलती हूँ कि कंसेप्ट पे कमांड करो, कंसेप्ट पे जितनी ज्यादा कमांड होगी आपका आधा सिलेबस ऐसे कंप्लीट हो जाना है पेपर वन का. ओके जी. जैसे कि आपका मैथमेटिकल है, ठीक है, अगर आपकी डीआई में कमांड अच्छी होगी तो मैथमेटिकल रीजनिंग आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी. क्लियर है? यस, गुड. अब डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें, इग्नोर हायर कॉग्निटिव एबिलिटी. अब यहाँ पे कॉग्निटिव लेवल तो है बट हायर नहीं है, मतलब इतनी ज्यादा आपकी सोचने और समझने की शक्ति नहीं बढ़ी, आप क्रिएटिव नहीं बने हो अभी, क्रिएटिव थिंकिंग नहीं कर सकते अभी आप. अभी सिर्फ जो आपको पढ़ाया गया आप उसको अंडरस्टूड कर सकते हो, बट आप खुद से थ्योरी नहीं निकाल सकते, आप अपना दिमाग नहीं चला पाओगे. जो स्टूडेंट, जो टीचर ने पढ़ाया है आप उसको अंडरस्टूड कर रहे हो, ठीक है, उसको अंडरस्टूड कर रहे हो अंडरस्टैंडिंग लेवल में.
और मेमोरी लेवल में क्या कर रहे हो आप, मेमोरी लेवल में क्या कर रहे हो आप, जो टीचर ने पढ़ाया है उसको आप रिकॉल कर रहे हो, रट्टा लगा रहे हो, मीन्स रोट लर्निंग कर रहे हो, ठीक है, आपको अंडरस्टैंड तो नहीं है, इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हो, इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हो, क्लियर है, यहाँ पे तो आपकी नॉलेज भी इंक्रीज हो रही है। अब जो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल है जो आपका, उसमें क्या हो रहा है, उसमें आप ना क्रिएटिव थिंकिंग कर रहे हो, आप खुद से भी थ्योरी निकाल सकते हो, क्लियर है। अब देखो, इग्नोर हायर कॉग्नेटिव लेवल, हायर कॉग्नेटिव लेवल को इग्नोर करता है, ओनली कॉग्नेटिव लेवल है ये, बट हायर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आप चीजों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, बट आप क्रिएटिव थिंकिंग यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग नहीं है, खुद से आप चीजों को क्रिएट नहीं कर सकते, खुद से आप थ्योरीज नहीं बना सकते, खुद से आप प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर सकते हो। लेस इंफोसिस ऑन इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अब अगर हम मोटिवेशन की बात करें, एक होता है आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, एक होता है आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अब देखो, मोटिवेशन आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको पता है, ठीक है, पेपर टू वालों को तो पता ही होगा, मैनेजमेंट और कॉमर्स में तो होता ही है मोटिवेशन, और भी मे भी और सब्जेक्टों में होगा। अगर हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात करें, ये मोटिवेशन होती है जब आपको अंदर से आता है कि हाँ मुझे ये काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको नेट JRF के लिए एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं आई, आपको खुद से अंदर से आया कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, मुझे उसके लिए नेट JRF क्वालिफाइड करना पड़ेगा, अंदर से आपको चीजें क्या कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है। एक्सट्रिंसिक होगा, आपके भाई बहनों ने आपको बोला कि यार तू ये काम कर ले, आपके इन्वायरमेंट को देख के आपको लगा कि हाँ मुझे ना ये करना चाहिए, मेरे इन्वायरमेंट में, मेरे गांव में सभी असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे, तो मुझे भी असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना चाहिए, ठीक है। बट आपने अपनी, जब आपने अपनी अंदर की आवाज सुनी और उस आवाज ने आपको जो मोटिवेशन किया पढ़ाई करने के लिए कि हाँ आपको नेट JRF करना है, तो इंट्रेंसिक। जब आपने एक्सटर्नल चीजों को देखा, इन्वायरमेंट को देखा, या आपके भाई बंधुओं ने, रिश्तेदारों ने, पेरेंट्स ने आपको बोला कि हाँ आप ये काम कर लो, नेट JRF की तैयारी कर लो, बेस्ट रहेगा, तो वो एक्सट्रेंसिक आएगा। तो यहाँ पे लेस इम्फेसिस है इंट्रेंसिक मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरणा पर कमजोर। अब यहाँ पे देखो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे तो टीचर गाइड कर रहा है, सब कुछ टीचर बता रहा है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में आपको अंडरस्टैंड करना है चीजों को, बट अभी आपके अंदर इंट्रेंसिक मोटिवेशन नहीं जागी कि हाँ मुझे खुद से चीजों को पढ़ना है, मुझे खुद से किताबें पढ़नी, मुझे खुद से घर जाना, मुझे खुद से थ्योरीज लिखनी है, मीन्स घर पे जाके, घर तो चलो सभी जाते हैं, कि मुझे घर पे जाके बुक्स को रीड करना है और मुझे एक नई चीज को लेकर आना है, ऐसा नहीं है। आपके मन में क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में आपको टीचर ने होमवर्क दिया, आपने बोला हाँ मैं उस होमवर्क को करूंगा एज इट इज, जो मुझे टीचर ने बताया मैं वही करूंगा, आप अपनी मर्जी से नहीं करोगे, मीन्स आपके अंदर से कोई भावना नहीं जागी, जो टीचर ने बोला बस आपने वही अंडरस्टूड किया, उसको समझा और उसको किया, क्लियर है। तो लेस इंटरेस्टिंग होगी, नो इंडिविजुअल लर्निंग। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्तिगत सीख नहीं, अब देखो ऐसा क्यों है कि कोई व्यक्तिगत सीख नहीं है, नो इंडिविजुअल लर्निंग। हाँ जी बताओ, हाँ जी मोहम्मद जी राइट है, इंट्रेंसिक आपकी इनर मोटिवेशन है और एक्सट्रेंसिक आपकी एक्सटर्नल मोटिवेशन है, बताओ नो इंडिविजुअल लर्निंग क्यों है यहाँ पे। अगर आपने इसका आंसर सही सही दे दिया ना, तो फिर अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए, सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग लेवल में मैंने बता दिया और हिंट आप लोगों के सामने, कोई व्यक्तिगत सीख नहीं है, ऐसा क्यों है यहाँ पे। रिप्लाई फास्ट, टाइम नहीं है हमारे पास, लेवल्स ऑफ टीचिंग कंप्लीट करना है आज। हाँ जी, नो इंडिविजुअल लर्निंग क्यों है यहाँ पर, टीचर के बिना नहीं देख दिख सकते मैम, वेरी गुड मिस अफरीन, वेरी गुड, टीचर के बिना नहीं सीख सकते, वेरी गुड, बिकॉज जितना टीचर बोलेगा उतना ही स्टूडेंट, वेरी गुड, वेरी गुड मोहम्मद जी, इट मीन्स कि आपने पकड़ लिया, ठीक है, आपकी जड़ मजबूत होगी, आपने पकड़ लिया कि अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्या कॉन्सेप्ट है। क्यों वो यहाँ पे बोल रहा है कोई व्यक्तिगत, क्योंकि वो खुद से नहीं पढ़ेगा भाई, यहाँ पे टीचर के बिना नहीं कर पाएगा, टीचर सेंटर्ड है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, टीचर यहाँ इंपॉर्टेंट है, यस टीचर पर डिपेंड है, यस वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्लैपिंग आप लोगों के लिए। अब देखो मेरी मोटिवेशन क्या है, जब आप लोगों का आउटकम आता है, ठीक है, आप लोगों की फीडबैक आती है राइट वे में, क्लियर है, एक होती है नेगेटिव फीडबैक, एक होती है पॉजिटिव फीडबैक, तो अच्छा लगता है, फिर टीचर पे डिपेंड है, वेरी गुड, क्योंकि इसमें स्टूडेंट टीचर के बिना नहीं सीख सकते। हाँ जी, इसलिए बोलते हैं गुरु गुरु होता है। हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड सभी को। अब चलिए नेक्स्ट, बाकी ये देखो एम्स की अगर हम बात करें,
फोकस क्या होगा वहाँ पे, तो जो आपका मेमोरी लेवल था वहाँ पे किस पे फोकस था, किस पे एम था, वहाँ पे तो सिर्फ रोट लर्निंग था, बट यहाँ पर अगर हम फोकस की बात करें तो यहाँ पे अंडरस्टैंड करना हो जाएगा चीज़ों को, फैक्ट को। और अगर हम सिंटेक्स की बात करें वहाँ पे क्या था, वहाँ पे टीचर का मेन रोल था, और यहाँ पे इक्वली पार्टी इक्वली हो जाएगा टीचर एंड स्टूडेंट, ठीक है, टीचर एंड स्टूडेंट यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे अगर हम सिंटेक्स की बात करें। वेट 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 वेट, असाइमिलेशन ये आपको डिटेल में करवाऊंगी मैं, ठीक है। सोशल सिस्टम यहाँ पे भी आपका टीचर यहाँ पे हो जाएगा एक्चुअली टीचर। सिंटेक्स, एक मिनट, सिंटेक्स आपका कुछ और था, और सोशल सिस्टम था आपका। अच्छा, सिंटेक्स में आपके 5 स्टेप्स थे ना, और अंडरस्टैंडिंग लेवल में भी आपके कुछ स्टेप, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में भी है आपके वही 5 स्टेप्स हैं, पर बताऊंगी वो, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्लाइड में नहीं लेके आई मैं उन स्टेप्स को। सिंटेक्स, सोशल सिस्टम में आपका टीचर, हाँ सोशल सिस्टम में आएगा आपका फोकस, मेंटल डिसिप्लिन, एक्वायर फैक्चुअल, ये देखो यहाँ पे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करना था, बट जो आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात आ जाए, एम या फोकस क्या हो जाएगा, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना, ठीक है, अंडरस्टैंड करना, ये आ जाएगा आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल में अगर फोकस की बात करें हम। सोशल सिस्टम में आपका अगर हम अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करें तो यहाँ पे टीचर इज मोर एक्टिव एंड मेन जॉब इज स्ट्रक्चर एंड, ठीक है, और यहाँ पे इक्वली हो जाएगा टीचर एंड स्टूडेंट इक्वली इंटरेस्टेड हो जाएगा, और कंटेंट पे यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करें अगर हम। स्पोर्ट्स सिस्टम तो आपका वही रहने वाला है कहीं ना कहीं, जो यहाँ पे ऑडियो वीडियो इज ये ऑडियो वीडियो विजुअल एड्स, क्योंकि यहाँ तो टीचर सेंटर्ड ही एक तरह से, तो यही रहने वाला है स्पोर्ट्स सिस्टम। असाइमिलेशन एंड एकोमोडेशन, इस पर पूरा लेक्चर है एक, ठीक है, ये करवाऊंगी आपको डिटेल में, अभी फ़ायदा नहीं इसको करवा के। असाइमिलेशन एंड एकोमोडेशन क्या होता है आपका, इसको डिटेल में करवाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में तो होता ही, ऑर्गेनाइज तो करना ही पड़ेगा चीज़ों को, क्योंकि अब आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ आनी स्टेप होगी समझ आनी स्टार्ट होगी, स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को अंडरस्टूड कर पा रहे हो। सोशल सिस्टम हो गया, स्पोर्ट सिस्टम हो गया, और आपका सस्वर पार्ट, ठीक है, अपक्रम बोर्ड वगैरह, हाँ जी। ओनली अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ रहा है, खुद कुछ करने के लिए मोटिवेशन नहीं हो रहा है। बस उनको समझ आ रही है, बट अंदर से अभी कोई भावना नहीं जागी। जैसे कि हम, जब मैं अपनी बात बताऊं, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, मुझे नहीं था कि मुझे कुछ बनना है लाइफ में, सच बता रही हूँ, मुझे कॉलेज तक नहीं था कि बनना है, बस एक ही चीज़ होती थी, पढ़ाई करनी है, स्टडी करनी है, पास होने चाहिए, फेल नहीं होने चाहिए, बस। यूनिवर्सिटी में जाके लगा मुझे कि यार यूनिवर्सिटी में अब तो कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, यूनिवर्सिटी में जाके कहीं जाके लगा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, कॉलेज तक तो कुछ था ही नहीं, बस एक ही चीज़ थी कि पढ़ाई करनी है, अच्छे नंबर लाने हैं, बस बाकी कुछ नहीं था। ये नहीं था कि कुछ करना है लाइफ में, जॉब जॉब का भी कोई ज़्यादा शौक नहीं था, कि नहीं था मतलब कि कमाना है या कुछ करना है, यूनिवर्सिटी में जाके लगा। इंट्रिंसिक नहीं था यहाँ पे कुछ भी कि बुक्स लिखनी है और पीएचडी करना है, हाँ इतना था कि पीएचडी तो करनी है, डॉक्टर लगाना है नाम के, बस डॉक्टर प्रियंका। अच्छा, बैक प्लीज, क्या हो गया, ये है जी मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये डिटेल में करेंगे इसको, रहने दो भी, जो आपको मेमोरी लेवल में करवाया ना वही मॉडल कहीं ना कहीं यहाँ पे भी है, ठीक है, वही मॉडल कहीं ना कहीं यहाँ पे भी है। अब देखो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, चले नेक्स्ट। मॉरिस गिवन न्यू स्टेज ऑटोनॉमस, हाँ वो भी करेंगे अभी, कविता मलिक वो भी करेंगे अभी, मॉरिस एल्बिगी, मॉरिस एल्बिगी है वो, ठीक है। अब देखो रिफ्लेक्टिव लेवल, अब यहाँ पे आ गई जी पीएचडी की बात, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ लर्निंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक और चीज थी जो मैंने अभी बीते दिनों में आपको करवाया, कौन सा था वो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक थी एक, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक थी एक, कौन थे वो, कौन से मेथड में था जब मैंने आपको मेथड ऑफ टीचिंग करवाए हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक किसमें यूज हुई थी, सेल्फ लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग किसमें था, नहीं सी आराम, अभी मेरा पीएचडी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, आप कंप्लीट की बात कर रहे हो, अभी नहीं किया पीएचडी, स्टार्ट भी नहीं हुआ अभी, पर
अभी देखते हैं, इस ईयर से देखते हैं पीएचडी का। डिस्कशन में भी था, वेरी गुड। एक था आपका ह्यूरिस्टिक मेथड, जो आपका आर्मस्ट्रांग ने दिया था, ह्यूरिस्टिक मेथड, स्टूडेंट सेंटर डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन, ह्यूरिस्टिक मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड था आपका एक, ठीक है। एक आपका ह्यूरिस्टिक मेथड था, वो भी यही बात बोलता था, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ लर्निंग, कि स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा खुद चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए, खुद चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, ह्यूरिस्टिक मेथड। हाँ जी, और किसने दिया था? आर्मस्ट्रांग ने। ह्यूरिस्टिक मेथड इज डेवलप्ड बाय आर्मस्ट्रांग, एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन भी। ओके, अब देखो, रिफ्लेक्टिव लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग है, सेल्फ लर्निंग है, द इन इन इंट्रोस्पिक लेवल ऑफ टीचिंग, इसको ये भी बोला जाता है। और ये क्वेश्चन एज इट इज अभी एचपीयू में बीएड का एंट्रांस हुआ था, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका इंट्रोस्पेक्टिव लेवल है, ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि इंट्रोस्पेक्टिव लेवल को क्या बोला जाता है? ए मेमोरी लेवल, बी अंडरस्टैंडिंग लेवल, सी रिफ्लेक्टिव लेवल, या फिर डी ऑटोनॉमस लेवल। ये क्वेश्चन पूछा गया था बीएड के एंट्रेंस में एचपीयू में, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में। अब देख लो, इंट्रोस्पेक्टिव लेवल किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है जी आपका रिफ्लेक्टिव लेवल को, भी बताऊंगी क्यों। एक और क्वेश्चन पूछा गया था बीएड के एंट्रेंस में, इसी बार एचपीयू में, मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड देख लो आपको, इतना इंपॉर्टेंट है। लेवल्स ऑफ टीचिंग पूछा गया था कि लेवल्स ऑफ टीचिंग कितने हैं, ए बी सी डी, ठीक है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। उसमें से तीन तो थे, बट डी में पता नहीं क्या ऑप्शन थी, वो नहीं था आर्मस्ट्रांग ने। हाँ जी, अब देखो, इंट्रोस्पेक्टिव की अगर हम बात करें, शिक्षण के आत्मनिरीक्षण स्तर की अगर हम बात करें, इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? इनर, मतलब कि अपने आप को देखना, अपने आप की जांच पड़ताल करनी, लुक, ये हो जाएगा आपका लुकिंग इनवर्ड, लुकिंग इनवर्ड। एन एग्जामिनेशन ऑफ वंस ऑन थॉट्स एंड फीलिंग्स, मीन्स अपने आप की जांच पड़ताल करनी, अपने आप को, ठीक है, लुकिंग इनवर्ड। तो यहाँ पे इंट्रेंसिंग मोटिवेशन होगा कि नहीं होगा, यस या नो में रिप्लाई करना। जब हम अपने आप को देख रहे हैं, हम इनर लुकिंग कर रहे हैं, ठीक है, लुकिंग इनवर्ड, इंट्रोस्पेक्टिव लेवल कॉल्ड रिफ्लेक्टिव लेवल। हाँ जी, और किसी न किसी शिफ्ट में डेफिनेटली पूछा जाएगा ये। अभी तो आपके सामने चीजें हैं, क्योंकि ताजा ताजा पढ़ा है, तो ऑब्वियसली आपको पता है रिफ्लेक्टिव लेवल। और एग्जाम में पता है क्या होता है, जब क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जाम में, तो सारे लगते हैं यार ये ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, अब करे तो करे, क्या करे। या फिर एक और प्रॉब्लम होती है, जिसने ज्यादा रिविजन की होगी वो दो चीजों को तो बाहर निकाल देगा, अब ए और बी में कंफ्यूज हो जाएगा, मीन्स दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाएगा, जिसने थोड़ा रिविजन किया होगा चीजों को, और जिसने ढंग से पढ़ाई करी होगी वो फिर राइट आंसर दे देगा। तो जिसने बहुत ज्यादा मतलब ढंग से ठीक ठीक रिविजन किया, तो देख लो उसका भी क्या हाल होने वाला है, ठीक है, ए और बी में परेशान रहेगा। और जिसने तो रिवीजन की नहीं है, वो तो चार ऑप्शन उसको एक जैसी लगेगी, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। जिसने थोड़ा पढ़ा है उसको दो ऑप्शन में प्रॉब्लम रहने वाली है, चाहे वो पेपर वन की बात कर लो, चाहे वो पेपर टू की बात कर लो, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रही हूँ। और जब ढंग से पढ़ते तो मतलब कि जिसने, मैंने अभी बीएड का एंट्रेंस दिया था, ऐसे ही दिया था मैंने कि चलो भर लेते हैं, आप यकीन नहीं मानोगे, 30 मिनट में, मैं अपने ऊपर हैरान थी, मैंने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे 30 मिनट में, 80 क्वेश्चन, और टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन आए थे बीएड के एंट्रेंस में, ठीक है। और मतलब मैंने पता कैसे कैसे किया, ओएमआर शीट होती है एक, तो उसमें गोले बनाने में ज्यादा टाइम लग रहा था, और उसमें मैंने पता कैसे किया, जैसे मैंने क्वेश्चन आते आते पढ़े और ऐसे टिक किया, ऐसे गोले लगाए, ऐसे ऐसे से पलट रही थी मैं पेजेस, 150 क्वेश्चन थे, 150 क्वेश्चन की अब देख लो आप बुकलेट कितनी बड़ी होती है, ऐसे ऐसे पलट रही थी मैं पेजेस को, हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज था इस तरह से, और बस क्लिक 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 किए जा रही थी, मेरा कंफ्यूजन ही कोई नहीं थी। टीचिंग एप्टीट्यूड के मेरे 50 में से आप 48 क्वेश्चन मेरे सही हुए, टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 में से 48 क्वेश्चन सही हुए मेरे। वो तुक्का लगाता जाएगा, इसमें तुक्के भी नहीं चलते, बात तो ये है, नेट जेआरएफ में इसमें तुक्के भी नहीं लगते हैं।
अब देखो, इंट्रोस्पेक्टिव लेवल आपका लुकिंग इनवर्ड हो जाएगा, लेवल ऑफ टीचिंग इज ऑल्सो नोन एज द रिफ्लेक्टिव लेवल। दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग मेथड। जब भी पढ़ो प्लीज कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, आप दूसरों को सिखाने वाले हो जाओगे। ठीक है, बीएड के एग्जाम और छोटे मोटे सेट के एग्जाम तो आप ऐसे ही हवा में ही, जैसे मैं बता रही हूँ ना, बस ऐसे ही पेजेस पलटोगे, बस देखोगे हाँ कि ये क्वेश्चन है बस, और ऐसे ही आपके आंसर आ जाएंगे। नई पढ़ाई की होगी ना तो बस वो क्वेश्चन पढ़ते रहो, ए बी सी डी हो सकता है, सी डी हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, इसी में कंफ्यूजन रहेगी। फिर मोस्ट एडवांस्ड लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग मेथड, ये कौन सा एडवांस्ड लेवल है? ठीक है, दिस इज बिकॉज टीचिंग डज नॉट एंड अंटिल द स्टूडेंट हैव ग्रास्प्ड द आइडिया। इट गोज बियॉन्ड कॉम्प्रीहेंशन द एंड रिक्वायर स्टूडेंट टू फोकस ऑन व्हाट दे हैव हियर्ड एंड अंडरस्टूड। क्लियर है? शिक्षण का चिंतनशील स्तर, अब देखो चिंतनशील है भाई, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है, चिंतनशील स्तर है। अब चिंता आ गई, कुछ तो करना पड़ेगा लाइफ में, इनर मोटिवेशन आ गई अब अंदर से। शिक्षण के आत्मनिरीक्षण, ये इंपॉर्टेंट है, हिंदी वालों देख लो आप लोग भी। शिक्षण के आत्मनिरीक्षण स्तर को चिंतनशील स्तर के रूप में भी जाना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछा जा सकता है इस बार भी, पेपर वन में किसी न किसी शिफ्ट में डेफिनेटली आएगा ये क्वेश्चन, यहाँ से वैसे आता ही आपका लेवल ऑफ टीचिंग, डोमेन ऑफ टीचिंग से। यह शिक्षण अधिगम पद्धति का सबसे उन्नत स्तर है, हायर। ठीक है, एडवांस्ड बोल लो आप, हायर बोल लो। ऐसा इसलिए है क्योंकि शिक्षण तब तक समाप्त नहीं होता जब तक छात्र विचार को समझ नहीं लेते, यह समझ से परे है और छात्रों को उस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जो उन्होंने सुना या समझा है। मेन ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें रिफ्लेक्टिव लेवल की, सुनना ध्यान से, टू डेवलप क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, और पता है क्या क्वेश्चन पूछा था? क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग जब हम डेवलप करते, टू डेवलप क्रिएटिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग इज ए मेमोरी लेवल, बी अंडरस्टैंडिंग लेवल, सी रिफ्लेक्टिव लेवल एंड डी आपका ऑटोनोमस लेवल। ये पूछा जाता है एग्जाम में, और वहां पे, यहाँ पे तो सब कुछ मैम ताजा ताजा पढ़ा है, अभी तो हम लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ रहे हैं तो अभी तो हमारे को पूरा याद है, और रिवीजन मैम हम करेंगे नहीं, पीडीएफ हम देखेंगे नहीं, अब नोट्स हम बनाएंगे नहीं, और फिर एग्जाम में हम ये सोचेंगे अब ये मेमोरी लेवल में था कि अंडरस्टैंडिंग लेवल में। चलो अगर मेमोरी लेवल आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ कि हाँ मेमोरी लेवल में तो नहीं हो सकता, फिर कहाँ कन्फ्यूज रहोगे? अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल में, कि यार अब ये अंडरस्टैंडिंग लेवल में था कि रिफ्लेक्टिव लेवल में था। और जिसने ढंग से पढ़ा होगा वो तो बोलेगा डेफिनेटली रिफ्लेक्टिव लेवल में था, और जिसने कम पढ़ाई की होगी, नई कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी की होगी, नई रिवीजन की होगी, नई पीवाई के उस लगाए होंगे, वो करेगा। अब इन दोनों में कंफ्यूज है, 5 मिनट यहाँ ही वेस्ट कर देगा सोचने में कि अंडरस्टैंडिंग टिक करूं कि रिफ्लेक्टिव लेवल टिक करूं। क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग रिफ्लेक्टिव लेवल, टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब भाई मोर पावर मोर नॉलेज, क्लियर है? नहीं, मोर नॉलेज मोर पावर, ज्यादा नॉलेज होगी ज्यादा पावर होगी तो ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग आएगा आपको, और नहीं तो क्या? अब जब आप पीएचडी होल्डर हो जाते हो तो क्या आपको डिसीजन लेने की डिसीजन आप ले सकते हो? अब जैसे मान लो कि जो आईएएस होते हैं, ठीक है, हिमाचल में तो ये होता है कि आईएएस जब रिटायर भी हो जाता है तो भी आईएएस को कुछ ना कुछ काम सौंपे जाते हैं कि हाँ, क्योंकि वो बेस्ट डिसीजन कर सकता है। मोर नॉलेज मोर पावर मोर अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग आ गई, क्योंकि अब तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आप हो गए हो। एक होता है देखो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला, आप किस पे विश्वास रखोगे? एक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला होता है और एक होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको ज्यादा बेस्ट पर्सन कौन लगेगा, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करना जानता है कि प्रॉब्लम को क्रिएट करना जानता है? कौन आपको बेस्ट पर्सन लगेगा? किसके पास जाना ज्यादा पसंद करोगे? किससे एडवाइस लेना पसंद करोगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग या प्रॉब्लम क्रिएटिंग? तो डिसीजन मेकिंग यहाँ पे आ जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यस, एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग इन स्टूडेंट। अब इंडिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट टू एनीवन, नॉट डिपेंडेंट टू स्टूडेंट, नॉट डिपेंडेंट टू टीचर, ओके जी, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अब देखो इंडिपेंडेंट लेवल था, डिपेंडेंट लेवल था हमारा, ठीक है, और इंटरवेनिंग लेवल था। क्या था? इंडिपेंडेंट लेवल कौन सा है, डिपेंडेंट कौन सा है और इंटरवेनिंग कौन सा है? रिप्लाई फास्ट, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है इंडिपेंडेंट कौन है, डिपेंडेंट कौन है इन दिस टाइम, अभी बताओ, मतलब कि इस टाइम पे कौन इंडिपेंडेंट है कौन डिपेंडेंट है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो।
इंक्लूडिंग यू एंड इंक्लूडिंग पीपीटी। इंडिपेंडेंट, अभी वाला है, रिफ्लेक्टिव लेवल नहीं, अभी वाला बताओ। रिफ्लेक्टिव लेवल में तो स्टूडेंट है, अभी बताओ। अभी देखो, अगर इंडिपेंडेंट लेवल की बात करें तो टीचर, ठीक है, और डिपेंडेंट की बात करें तो स्टूडेंट, और अगर हम इंटरवेनिंग की बात करें तो हमारी पीपीटी। रिफ्लेक्टिव लेवल में बात करें तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट लेवल कौन है? स्टूडेंट है यहाँ पर, क्योंकि स्टूडेंट का क्या रोल है? एक्टिव रोल है। और टीचर का यहाँ पे क्या रोल है? पैसिव रोल है। क्लियर है? अगर रिफ्लेक्टिव लेवल की बात करें, इंडिपेंडेंट टीचर, डिपेंडेंट स्टूडेंट। हाँ, अब देखो यहाँ पे इंडिपेंडेंट चेंज हो गया ना, यहाँ पे कौन बन गया? इंडिपेंडेंट स्टूडेंट, क्योंकि हमें तो एक्टिव रोल चेक करना है, कौन एक्टिव है, स्टूडेंट या टीचर। यहाँ पे तो स्टूडेंट एक्टिव है। टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन स्टूडेंट, अब उनको प्रॉब्लम सॉल्व करनी आ गई है। क्लियर है? गुड। छात्रों में रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच विकसित करना इम्पोर्टेंट है जी। आप लोग भी देख लो, हिंदी वाले शिक्षण के चिंतनशील स्तर के मुख्य उद्देश्य क्या क्या है। विद्यार्थियों में निर्णय लेने एवं स्वतंत्र चिंतन, ये इम्पोर्टेंट है, स्वतंत्र चिंतन की क्षमता पर विकास करना है जी। विद्यार्थियों में समस्या समाधान की क्षमता का विकास करना इम्पोर्टेंट है जी, ये भी आपका। नेक्स्ट चलिए, एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल। थॉटफुल मोड ऑफ ऑपरेशन, मोस्ट थॉटफुल है ये आपका, मोस्ट थॉटफुल, मोस्ट थॉटफुल। लर्नर सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड और इंडिपेंडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट रहने वाला है, और यहाँ पे डिपेंडेंट तो कोई नहीं होगा, क्योंकि टीचर क्यों डिपेंडेंट होगा स्टूडेंट पे, ऑब्वियसली सी बात है। बट इंडिपेंडेंट यहाँ पे लर्नर या स्टूडेंट रहने वाला है। डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से भी पूछा गया है, यहाँ से भी पूछा गया है, यहाँ से, यहाँ से। ओके, रिफ्लेक्टिव लेवल आपका किसने दिया था एक बार मुझे बताना? पीपीटी इंटरव्यू, हाँ जी मोहम्मद जी, वेरी गुड। रिफ्लेक्टिव लेवल किसने दिया है, मेमोरी लेवल किसने दिया है, और आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया है? रिप्लाई फास्ट। मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी है जी यहाँ पे, फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक आ गई ना, वहाँ पे कहीं ना कहीं लचीलापन होता है, ठीक है। जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक आ गई, वहाँ पे कहीं ना कहीं लचीलापन होता है। जब फ्लेक्सिबिलिटी है, इट मीन्स कि ये इंडक्टिव हो गया, ये तो इंडक्टिव है हमारा, क्योंकि इंडक्टिविटी में तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर डिडक्टिव होता तो स्ट्रक्चर होता पूरा, जो बोला गया एज इट इज वही करना है, टीचर सेंटर्ड हो जाता है ये। फिर मेमोरी हार्डबार्ट ने दिया है, मेमोरी मॉरिसन, नो नो नो, एमएम क्यों किया प्रियंका आपने? मॉरिसन आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ने दिया है, हार्बर्ट ने दिया मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग मॉरिसन, और हंट ने दिया है रिफ्लेक्टिव लेवल। क्या कर रहे हो, हार्बर्ट ने रिफ्लेक्टिव नहीं दिया है, अभी देख लो कल ही क्लास हुई है, देख लो फिर आज हाल। मेमोरी हार्बर्ट, अंडरस्टैंडिंग मॉरिसन और रिफ्लेक्टिव हंट, हाँ जी हार्बर्ट मॉरिसन एंड हंट, हाँ जी। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अब एग्जाम में मत कंफ्यूज होना, हर्बर्ट को डाल दिया हंट में, हंट को डाल दिया हर्बर्ट में, तो भाई 0 नंबर मिलेगा ये। गुड गुड, ठीक है ठीक है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी, अब जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की बात होगी, इंडक्टिव हो गया वो, ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड हो गया ऑब्वियसली, ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करेंगे, हर चीज के लिए ऑब्जर्वेशन करेंगे। यहाँ पे तो क्या ऑब्जर्वेशन करें, डिडक्टिव में तो थ्योरी बनी है, उसको अप्लाई करना पड़ेगा थ्योरीज को एज इट इज, हमारी ऑब्जर्वेशन नहीं चलने वाली है। इंडक्शन में तो ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर जाके थ्योरीज बनाएंगे लास्ट में जाके, ठीक है। ये टॉप टॉप डाउन अप्रोच हो जाएगी, डिडक्टिव वाली आपकी टॉप डाउन, थ्योरी से नीचे को आएंगे। देखो टॉप डाउन मतलब यहाँ पे थ्योरी है और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, थ्योरी से आएंगे नीचे की तरफ, और ये हो जाएगी आपकी अप, इंडक्टिव हो जाएगी अप, मीन्स कि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से जाएंगे थ्योरी में, ठीक है। ऑब्जर्वेशन तो इंडक्टिव हो जाएगा कहीं ना कहीं। डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, ये तो बताया था, क्रिएटिविटी होगी यहाँ पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, इनोवेशन होगी, सेल्फ मोटिवेशन हो जाएगा जी। मुझे पीएचडी करनी है, मुझे थीसिस लिखनी है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे नेट जेआरएफ करना है, सेल्फ मोटिवेशन,
जैसे कि मैं आप लोगों को बोलती हूँ, अब कोई इस स्टेज पे आपको मोटिवेशन करने वाला कोई नहीं आएगा, आपको खुद मोटिवेशन होना पड़ेगा। ये स्टेज आपकी ऐसी है जहाँ पे घर वाले भी बोलेंगे कमा ले कुछ, जॉब कर ले कुछ, ठीक है। या पढ़ाई के लिए उतनी मोटिवेशन नहीं मिलेगी जितनी छोटे बच्चे को मतलब चुम्मा करके उसको, है ना, वो पढ़ाया जाता था कि पढ़ ले बेटा, तुझे चॉकलेट देंगे, तुझे साइकिल देंगे। अब यहाँ पे तो ऐसा बोला जाता है, क्यों पढ़ रहे हो इतना? क्लियर है जी? डिसएडवांटेजेस देख ले एक बार। मेमोरी लेवल, हार्ड वर्क, अंडरस्टैंडिंग मॉडल्स एंड रिफ्लेक्टिव हंट, ठीक है जी, क्लियर है। डिसएडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल, नॉट सुटेबल फॉर लोअर क्लासेस। लोअर क्लासेस के लिए कौन सुटेबल है? मेमोरी लेवल की अंडरस्टैंडिंग लेवल, लोअर क्लासेस के लिए कौन सा लेवल सुटेबल है? मेमोरी की अंडरस्टैंडिंग, बेस्ट वन को चूज करना है यहाँ पर, इन दोनों में से कोई एक, या ए या बी, नहीं बेस्ट वन, या ए या बी, गुड। हाँ अगर तो बोथ की बात आ जाए तो चलो बोथ कर लेंगे, पर मेमोरी लेवल आपका बेस्ट वन चूज हो जाएगा, ए एंड बी। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ऑब्जर्वेशन चलनी है, क्रिएटिविटी चलनी है, इनोवेशन चलनी है, ठीक है, क्रिएट करना है चीज़ों को, क्रिएटिव थिंकिंग चलनी है, तो ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग होता है फिर, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। ऐसी नहीं कि क्रिएटिविटी की जाती हवा में, क्रिएटिविटी की रही, आज सोचा और कल हो गया आप लोगों का, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये। जैसे चंद्रयान था आपका, क्रिएटिविटी थिंकिंग, ठीक है, चंद्रयान 3 जो आपका हुआ है, तो कितना टाइम लगा है उसको करने के लिए, ओके, प्रोसेस होने में। नॉट एप्लीकेबल टू फॉर डल स्टूडेंट के लिए। अब जो डल स्टूडेंट होगा भाई, उसको तो मेमोरी लेवल से गुजरना पड़ेगा, रटना पड़ेगा पहले तो चीज़ों को, फिर अंडरस्टैंड करेगा, फिर रिफ्लेक्टिव लेवल में। डल स्टूडेंट के लिए नहीं ये इंपॉर्टेंट है, सुस्त छात्रों के लिए लागू नहीं होती है, जिनको समझ ही नहीं आ रही चीज़ों, उन्होंने तो ऐसी क्रिएटिविटी करनी, आग लगा देनी उन्होंने तो लैब में, फिर ऐसे ऐसे केमिकल मिक्स कर देंगे कि आग लग जाएगी लैब में। ओके जी, नेक्स्ट करें। मॉडल आपका यही है, एम फोकस की बात की जाए तो यहाँ पे तो क्रिएटिविटी ही होनी है ज़्यादा, इनोवेशन क्रिएटिविटी। सिंटेक्स में इसमें स्टेप्स आएंगे कुछ, सोशल सिस्टम यहाँ पे, ये आपका स्टूडेंट सेंटर है तो ऑब्वियसली आपका स्टूडेंट सेंटर होगा एक्टिव, ठीक है, ऑब्वियसली स्टूडेंट सेंटर एक्टिव होगा। अंडरस्टैंडिंग के लिए, अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो स्टूडेंट एंड टीचर आपका इक्वली थे, ठीक है, स्टूडेंट एंड आपका टीचर इक्वली थी। अगर मेमोरी लेवल की बात करें तो यहाँ पे टीचर एक्टिव था, टीचर ही प्रधान था यहाँ पर, ठीक है। और सोशल सिस्टम में यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिव रहने वाला है, क्योंकि सोशल मतलब कि लोगों से, तो लोगों कौन होंगे इसमें, स्टूडेंट और टीचर। स्पोर्ट सिस्टम आपके वही रहने वाले, ऑडियो वीडियो, यहाँ पे तो बड़ी चीज़ें इंक्लूड हो जाएगी स्पोर्ट सिस्टम में, जितनी भी चीज़ें सपोर्ट करेगी, मशीनें हो सकती है, लैब्स हो सकती है जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट करोगे चीज़ों को, ऑब्जर्वेशन करोगे, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए लास्ट रहता है हमारा ऑटोनोमस लेवल। आप ये मॉरी सेल्बी की थे जी, 1976, इम्पोर्टेंट है ये भी, मॉरी सेल्बी की। अगर मेमोरी लेवल की बात करूं तो आपका कौन है? हर्बर्ट। अगर अंडरस्टैंडिंग की बात करूं तो कौन है? मॉरिसन। और अगर हम रिफ्लेक्टिव लेवल की बात करें तो कौन है? हंट। ये तो छोटा सा नेम है, छोटे छोटे लोग ही बड़ा धमाका कर जाते हैं, ठीक है, जिनको हम सोचते हैं इनसे कुछ नहीं हो सकता, वही बड़ा धमाका कर जाते हैं, छोटा सा नेम है हंट। नाम से ऐसा लगता है क्या ही कर लेगा ये हंट, इसका तो नाम ही हंट है, पर इसने तो बड़ी हंटिंग कर दी भाई, ठीक है, ओके। अब देखो, मॉरिस एल बिगी हैज एडिड वन मोर लेवल अंडर द रूब्रिक ऑटोनॉमस डेवलपमेंट, ये इम्पोर्टेंट है बस। मॉरिस एलवी की स्वायत्त विकास शीर्षक के तहत एक और स्तर जोड़ा है, शिक्षण और सीखने के चारों स्तर को निम्नलिखित तरीकों से एक सातत्य पर दिखाया जाता है। जो आपका रूब्रिक होता है ना, ठीक है, और रूब्रिक का आपका मेनली ये मतलब रहता है कि मान लो जितनी हम चीजें, जैसे मान लो हमने 3 लेवल्स पीछे किए, उसका मिलता जुलता होता है, बस उसे थोड़ा सा अलग होता है रूब्रिक का मतलब, नहीं रूब्रिक नहीं, सॉरी सॉरी ये गलत बता दिया आपको, कॉन्टिनम, कॉन्टिनम का मतलब होता है ये,
रूब्रिक नहीं, क्वांटिनम का मतलब ये होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है द फोर लेवल्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, ये गलत बताया आपको, सॉरी, द फोर लेवल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग मे बी शोन ऑन अ क्वांटिनम इन अ फॉलोइंग वे. क्वांटिनम का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूसली, बट कौन से वाला कंटिन्यूसली होता है ये हिंदी में, सातत्य, हाँ ये वाला, ये कौन सा होता है आपको क्वांटिनम, की मान लो जो हमने अभी थ्री लेवल पढ़े है ना, ये उससे थोड़ा सा भिन्न है, थोड़ा सा अलग है उससे ये, ठीक है, वो होता है आपका क्वांटिनम, ये थोड़ा सा अलग है उससे, मॉरिस सेल्वी की ऑटोनॉमस लेवल. हाँ जी मैम, बैक प्लीज, मिस एक बार और, कौन सा मिस अफरीन, एक बार क्या बताया आपको, और सोशल सिस्टम वाला, सोशल सिस्टम वाला बोल रहे हो, यहाँ पे एम जो फोकस रहेगा वो क्रिएटिविटी पे रहेगा ज्यादातर, ठीक है, और जो आप पे सिंटेक्स रहेगा, इसके स्टेजेस होने कुछ, ठीक है, ये देख लेना अपने बिहा पे. आपने क्या करना है, जो मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल है, ठीक है, उसके सिंटेक्स की आपने क्या करना है, स्टेजेस देख लेना, मेमोरी लेवल की तो करवा दिए, और आपने रिफ्लेक्टिव लेवल की भी सिंटेक्स की स्टेजेस देख लेना अपने बिहाफ पे, ठीक है, थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव लेवल पे आओ, बाकी अपने बिहाफ पे देख लेना रिफ्लेक्टिव और अंडरस्टैंडिंग की. सोशल सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट का एक्टिव रोल रहने वाला, सपोर्ट सिस्टम की बात करें तो काफी चीजें यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगी, और भी मॉडल्स, हाँ मॉडल का आपने देख लेना एक बार अपने बिहाफ पे. ओके अब देखो ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल क्या है, ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल, ऑटोनॉमस, ऑटो, ऑटोक्रेटिक, कुछ समझ आ रहा है ऑटो का क्या मतलब होता है, एक होती है ऑटोग्राफी, एक होती है आपकी बायोग्राफी, रिसर्च में यूज होती है ये टर्म, ऑटोग्राफी एंड बायोग्राफी, क्या समझते हो आप ऑटोग्राफी एंड बायोग्राफी से, रिप्लाई करो. जब हमने किसी और का लिखते हैं उसको बोलते हैं बायो, किसी और का, जब हम अपने बारे में लिखते हैं उसको बोलते हैं ऑटो, सेल्फ रिटन बायोग्राफी, अदर्स रिटन, वेरी गुड अभिज्ञान मिश्रा जी, किसी और की इंफॉर्मेशन या किसी और के बारे में बताना बायो, और अपने बारे में बताना ऑटो, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये रिसर्च एप्टीट्यूड में ऑटोग्राफी बायोग्राफी का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये भी पेपर वन की शिफ्ट में आता है किसी ना किसी शिफ्ट में. अब देखो तो ऑटोनॉमस डेवलपमेंट, अब देखो अगर आपको चीजों की समझ आए या फिर आपको शब्दों की भी समझ आए तो कहीं ना कहीं आपको कितनी चीजें अंडरस्टूड हो जाएगी. द ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल इज स्टूडेंट सेंटर्ड ऑल्सो, ये भी आपका स्टूडेंट सेंटर्ड है, और वो रिफ्लेक्टिव लेवल भी स्टूडेंट सेंटर्ड था. तो कॉन्टिनम का क्या मतलब बताया, कि एक जैसा होता है थोड़ा थोड़ा भिन्न होता है, ठीक है, कॉन्टिनम का मतलब क्या था, कि कंटिन्यूसली जो चीजें फॉलो होती जा रही है वैसा ही है, बस थोड़ा सा अलग किया है. मॉरिस एल्बिगी ने भी तो देनी थी थ्योरी, क्रिएटिविटी करनी थी कुछ ना कुछ, क्लियर है, क्रिएटिविटी तो करनी थी कुछ ना कुछ, तो जब तक वो पहली थ्योरीज में चेंज नहीं लाएगा तब तक आप दूसरी थ्योरी नहीं दे सकते, आपको कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, आप एज इट इज उसकी जैसी बातें नहीं दे सकते हो. जैसे कि जब आप एचआरएम में पढ़ते हो, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन ने डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन दी होती है, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन ने डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन दी होती है, मीनिंग सबका कहीं ना कहीं मिलता जुलता होता है, क्लियर है, मीनिंग तो मिलता जुलता होता है कहीं ना कहीं, तो वो थोड़ा सा जो चेंज लेकर आता है वही ऑथर बनता है, वही एक वो बनता है, ये स्कॉलर्स बनते हैं, ठीक है, जो बुक्स पब्लिश करते हैं. अब देखो इट इज लिटिल और नो लीडरशिप, यहाँ पे डायरेक्शन, लिटिल और नो लीडरशिप, डायरेक्शन और इम्पोजिशन ऑफ स्टूडेंट थॉट और बिहेवियर टू प्रमोट सेल्फ फीलिंग, स्वायत्त विकास तर छात्र केंद्रित है, किसने दिया है, मॉरिस एल बिगी ने दिया है ये, यह आत्म भावना को बढ़ावा देने के लिए छात्र के विचार या व्यवहार का बहुत कम या कोई नेतृत्व या निर्देशन या थोपना नहीं है, यहाँ पे थोपना नहीं है भाई किसी के ऊपर. देर इज द डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग ऑफ ऑटोनॉमी विद लिटिल और नो स्कोप फॉर टीचर, अपनी ऑटोनॉमी है अपनी मर्जी से कर लेंगे हम, इंटरवेंशन, दैट्स वाई इट इज अ काइंड ऑफ नेगेटिव एजुकेशन, ये देख लो क्या बात बोल दी, इसमें स्वायत्तता की भावना का विकास होता है जिसमें शिक्षक के हस्तक्षेप की बहुत कम या कोई गुंजाइश नहीं होती, इसलिए यह एक प्रकार की नकारात्मक शिक्षा मानी जाती है,
खुद पढ़ लेंगे। अब नकारात्मक क्यों बोला गया, इसको बता सकता है कोई मुझे, क्यों इसको नकारात्मक माना जाएगा यहाँ पर? टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो तो अब टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप पता लग ही गया होगा कि क्या होना चाहिए, एक टीचर को कैसा होना चाहिए, एक स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए कॉन्टेंट। इट रेफर्स टू द लर्नर एबिलिटी, जल्दी मुझे रिप्लाई करो, नेगेटिव एजुकेशन क्यों बोला गया? इट रेफर्स टू द लर्नर्स एबिलिटी टू कंट्रोल ओवर ऑन लर्निंग, इट डिजायर्ड फॉर इन डेप्थ लर्निंग, इट इज ड्रिवन बाय इंट्रिंसिक मोटिवेशन, क्योंकि इसमें टीचर की कोई भी भागीदारी नहीं होता है। हाँ, मीन्स कि टीचर को महत्व ही नहीं दिया जा रहा, गुरु गुरु को कोई भी, हम इसमें बोला जा रहा है एक तरह से कि हम तो खुद कर लेंगे, जो भी करेंगे खुद करेंगे, टीचर की क्या जरूरत है हमें, हमें किसी की क्या जरूरत है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, अपने पेरेंट्स को बोल देते हैं हमें क्या जरूरत है आप लोगों की, हम खुद कर लेंगे। भाई तुम जितना मर्जी बड़ा कमा लो, जितने मर्जी बड़े हो जाओ, अपने पेरेंट्स से कभी भी बड़े नहीं हो सकते हो। आप जितने मर्जी एजुकेटेड बन जाओ, जितने मर्जी आप हो जाओ, बट आप अपने टीचर से बड़े कभी नहीं हो सकते, आप अपने पेरेंट्स से बड़े कभी नहीं हो सकते। हाँ आपकी हाइट बढ़ सकती है, हाँ मैं बोलती हूँ कि आप अपने पेरेंट्स से ज्यादा अच्छा कमा लोगे, आप उनसे बेहतर कमा लोगे, उनसे ज्यादा कमा लोगे, बट ये थिंकिंग तो कभी भी नहीं आनी चाहिए कि हाँ मैं उनसे बड़ा हो गया या फिर मैंने उनसे ज्यादा कर लिया अपनी लाइफ में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव नेगेटिव वो है, नेगेटिव एजुकेशन है। तो यही बात थी यहाँ पे, और वेरी गुड, आपने सबने सही पकड़ा, इसमें टीचर का कोई रोल नहीं है। हाँ जी, रोल भी नहीं है, और टीचर को यहाँ पे एक तरह से इम्पोर्टेंस भी नहीं दी जा रही। चलो अगर टीचर ने नहीं कुछ करना है तो एटलीस्ट एक रिस्पेक्ट तो हो मन में कि नहीं टीचर है, गुरु है। विदाउट टीचर स्टूडेंट कैन नॉट लर्न। क्योंकि अगर कोई बोले कि हाँ मैं, मुझे तो सब कुछ आता है, क्या भाई तू बचपन से ही पेट से सीख कर आया, कहीं ना कहीं टीचर का रोल तो रहा होगा कि जब तू पेट से बाहर निकला था तभी तूने ABCD बोलना स्टार्ट कर दिया था, या 1 to 100 गिनना स्टार्ट कर दिया था तूने, पहली दूसरी तीसरी चौथी, कहीं ना कहीं तो सीखा ही होगा, 5th तक तो रहे होंगे टीचर के अंडर। छोटी कर लूं फोटो? छोटी कैसे करें, एक लाइन जो ये वाली दिख रही है ना आपको, जिसमें शिक्षक के हस्तक्षेप की बहुत कम, जो मेरे पीछे है, टाइम लग जाएगा छोटी करने में, अब तो टाइम भी हो गया। ये है यहाँ पे, इसमें पढ़ के सुना देती हूँ मिस अफरीन, ठीक है? इसमें स्वायत्तता की भावना का विकास होता है, जिसमें शिक्षक के हस्तक्षेप की बहुत कम या कोई गुंजाइश नहीं होती है, इसलिए यह एक प्रकार की नकारात्मक शिक्षा है। यह शिक्षार्थी की स्वयं की शिक्षा पर नियंत्रण करने की क्षमता को संदर्भित करता है। यह गहन सीखने के लिए वांछित है, यह आंतरिक प्रेरणा से प्रेरित है। ठीक है, बाकी PDF सेंड कर दूंगी आज, लेवल्स ऑफ टीचिंग। ये अब ये होता है जो आपका समाप्त, आज का टॉपिक आपका लेवल्स ऑफ टीचिंग। कल हम करेंगे एम्स ऑफ टीचिंग, या फिर ऑब्जेक्टिव्स बोलो, जिसमें हम टीचिंग, लर्निंग और आपका इंडोक्ट्रिनेशन और आपका कंडीशनिंग, तीन चार चीज़ों को पढ़ाई करेंगे कल हम, और डिफरेंस भी करेंगे उनके बीच में। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन वो सारी चीज़ें करेंगे फिर। ओके मैम, डेप्थ लर्निंग। हाँ कैसे चौधरी जी, टीचर इज नेसेसरी फॉर स्टूडेंट। हाँ वहाँ पे ना देखो डेप्थ लर्निंग होगी, मैं नहीं बोल रही, मैंने क्या आपको एग्जांपल दिया था कि हाँ हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स से ज्यादा कमाते हो, आपके पेरेंट्स सपोज 50K तक कमाते हो और आप 1K तक कमा लेते हो, 1 लाख तक कमा लेते हो आप लोग, ठीक है, बट फिर भी अगर आप एक इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो अपने पेरेंट्स को, तो फिर मतलब कहीं ना कहीं वो नेगेटिव हो जाएगा ना। भले ही आपने डेप्थ नॉलेज है, आपके पास डीप नॉलेज है, पर आपको एक रिस्पेक्ट नहीं है एक टीचर की, तो फिर वो नेगेटिव हो जाएगा ना। आप ये नहीं बोल रहे हो कि हाँ मैं टीचर की वजह से, आप सिर्फ सारा औहदा आप अपने आप को ही दे रहे हो कि जो भी किया वो मैंने किया, बाकी किसी ने कुछ नहीं किया है। वो है यहाँ पे डेप्थ का मतलब। क्लास इज सुपर डुपर मैम, थैंक यू जी, अविंद कुमार जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। और PDF मिल जाएगी आप लोगों को, चेक कर लेना एक बार। बाय बाय, आप अपनी नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन कर लो, कल करेंगे एम्स ऑफ टीचिंग, बता दिया मैंने 2 3 बार भी। ओके, गाइडेंस ऑफ टीचिंग इज नेसेसरी, थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है, रिवीजन करते रहा करो प्लीज, और PYQs भी लगाओ, बेनिफिट रहेगा।
अब तो बुक्स भी लॉन्च कर दी है फिलर फॉर्म ने, देखते हैं क्या बताते हैं सर।